देखा है कि आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है, आप सेल्स के सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं फिर भी अचानक से ऐसा कुछ होता है कि सेल्स क्लोज ही नहीं होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बड़ी आसानी से वो सेल्स क्लोज कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंचल देशवाल एंड आई एम हैविंग 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने सेल्स क्लोजर का रेशो इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं ऐसी ही टेक्निक्स। तो कहां से शुरू करें? सेल्स क्लोजर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यह समझना बायर और सेलर के बीच के रिलेशन को कैसे इंप्रूव किया सकता है, और इस रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए दो फियर फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वो दो फियर फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका सेल्स क्लोजर आसान होने वाला है या टफ होने वाला है। तो ये दो फियर्स होते हैं, एक बायर की तरफ से फियर होता है और एक सेलर की तरफ से फियर होता है। बायर को हमेशा ये फियर लगा रहता है कि क्या सप्लायर उसे राइट प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, क्या वो जो कमिट कर रहा है उस पे वो खरा उतरेगा, क्या वो आफ्टर सेल सर्विस देगा, क्या वो उसकी जॉब सेफ रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि खराब प्रोडक्ट खरीदने की वजह से, गलत चीज लेने की वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। वहीं सेलर का एक फियर होता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा बट क्या बायर मुझे वो प्रेफरेंस देगा जो मुझे मिलनी चाहिए, क्या मैं मेहनत करने के बाद कुछ मार्जिन अर्न कर पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर क्लोज करने के लिए मैं पूरे मार्जिन जो है निचोड़ दूं और बिल्कुल ऑर्डर पिक भी कर लोगे तो क्या होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5-7% के तो ओवरहेड्स ही होते हैं। अगर आपने क्लोज भी कर लिया ऑर्डर और उसमें मार्जिन नहीं है तो ऐसे ऑर्डर का कोई फायदा नहीं है। तो सेल्स क्लोजर का मतलब होता है ऑर्डर क्लोज करिए हेल्दी मार्जिन्स के साथ। तो कैसे अचीव करेंगे? बहुत आसान है। अगर आप इन फियर फैक्टर्स को ओवरकम कर पाए तो आपकी क्लोजर आसान हो जाएगी। तो आप कैसे करेंगे इनको ओवरकम? बहुत ही आसान सा जो मेन टैक्टिक्स है वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी सेल्स क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कस्टमर के बारे में जो कि आपका सेटिस्फाइड कस्टमर है उसके बारे में बताएं, या आपको अगर कोई रेफर करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, अगर आपका सेटिस्फाइड कस्टमर आपको रेफर कर रहा है तो जो बायर है उसका जो फियर था वो कहीं हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस कस्टमर ने इसे रेफर किया है सेलर को तो इसका मतलब ये अच्छा सप्लायर है, सर्विसेज अच्छी है। दूसरी तरफ आपका भी फियर फैक्टर कहीं हद तक कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे को रेफर किया गया है तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं इस केस को विन करने के लिए। बट वहीं पर सवाल उठता है कि अगर आपको किसी ने रेफर नहीं किया है तो आप उस केस में अपने क्लोजर को कैसे इंश्योर करोगे, कैसे बेटर करोगे? तो उसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल होता है जब आपका कोई सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बारे में अच्छी बातें बोले, कुछ बाइट्स आपको दे, कुछ कमेंट्स दे, आपको आपकी सर्विसेज के बारे में तारीफ करे। और ये कब मिलता है? इसका लेने का सबसे सही समय होता है जब आप सप्लाई करके सब कुछ अच्छे तरीके से कर चुके होते हैं और आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, वहां आप ले सकते हैं। या आपने कोई सपोर्ट कॉल की है, सपोर्ट दिया उसको, उस सपोर्ट को देने के बाद आप उस कस्टमर से टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। इस तरह के टेस्टिमोनियल राइट टाइम पर आप हमेशा लेते रहिए, और जो सबसे अच्छे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं आपके उनका डेटा हमेशा अपने पास रेडी रखिए और प्री अप्रूवल लेके रखिए। अगर जरूरत पड़े आपका कोई नया कस्टमर बात करना चाहता है इन सेटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ तो वो कभी भी उनसे बात कर सके। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये टेस्टिमोनियल एक्चुअली आपके लिए रेफरल का काम कर रहे हैं और जो फियर था वो ओवरकम हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आप इसको फियर्स को दूर कर सकते हैं, बट कहीं हद तक ये दोनों फियर सिर्फ रेफरल और टेस्टिमोनियल के थ्रू कम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको करनी है क्लोजर आसानी से और अच्छे मार्जिन के साथ तो हमेशा याद रखिए ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना जरूरी है और उसके लिए रेफरल्स और टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है।